चर्चित अपराधी सुमित ठाकुर और उनकी गैंग ने रविवार की रात जरीपटका की ठावरे कॉलोनी में आतंक मचाया, जहां रैश ड्राइविंग के लिए फटकार लगाने पर सुमित और उसकी गैंग ने तीन युवकों का अपहरण कर लिया, जिसके बाद उन्हें एक गोदाम में बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर हत्या करने का प्रयास भी किया गया, जिससे स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जरीपटका पुलिस ने रिपब्लिकन नगर न्यू इंदौरा निवासी कमल अनिल नाइक उम्र 33 साल की शिकायत पर सुमित ठाकुर और उसके 5 साथियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ठवरे कॉलोनी में रहने वाले कमल के मित्र सम्राट गुंडा ने की बच्ची के जन्मदिन का आयोजन किया गया था। कमल और उसके दोस्त मुजफ्फर शेख उम्र 29 साल और अतुल अतराम उम्र 25 साल भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। रात 12:10 पर तीनों पंडाल के बाहर ही खड़े थे। इसी दौरान सुमित अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने वहां आया, रैश ड्राइविंग करते हुए उनके करीब से गाड़ी ले गया, कुछ दूर जाकर रुक गया और कमल ने उसे बाहर निकालने के लिए बाल पकड़े तो सुमित की वीक हाथ में आ गई। इस बात से वह बौखला गया। गर्लफ्रेंड को छोड़ने के बाद तुम्हें सबक सिखाता हूँ कहकर सुमित वहां से चला गया। तीनों दोस्तों ने भोजन किया और फिर पंडाल के बाहर खड़े हो गए। 12:50 पर सुमित लाल रंग की कार में तीन युवकों के साथ आया और पिस्तौल कनपट्टी पर तान दी और खोपड़ी उड़ा दूंगा कहकर तीनों को जबरन कार में बैठाया। उसके साथियों ने कार में तीनों के साथ जमकर मारपीट की। इसी दौरान किसी को फोन लगाकर गोडाउन खोल कर रखने को कहा। आरोपी ने कमल और उसके दोस्तों के मोबाइल छीन लिए, जेब से करीब 2200 रुपए निकाल लिए। उन्हें हजारी पहाड़ परिसर में एक टीन के शेड में ले गए। वहां दो आरोपी पहले से खड़े थे। वहां उन्हें बंधक बनाकर पिस्तौल की नोक पर पीवीसी पाइप से जमकर पिटा गया। आखिर हाथ पैर जोड़ने पर सुमित और उसकी गैंग ने तीनों को दोबारा कार में बैठाकर ग्रामीण पुलिस मुख्यालय के समीप छोड़ दिया। कमल ने उसे बताया कि वह मजदूरी करता है। उसने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए फोन वापस मांगा। सुमित उनके फोन रास्ते पर फेंक कर चला गया। तीनों पीड़ित जरीपटका थाने पहुंचे और सुमित के खिलाफ शिकायत की। मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने सुमित के खिलाफ अपहरण, लूटपाट, हत्या का प्रयास, दंगा और आर्म्स एक्ट के सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि सोमवार को सुमित ने शिकायत न दर्ज करवाने के लिए पीड़िता पर काफी दबाव बनाया, उनके खिलाफ छेड़खानी की शिकायत करने की धमकी दी, लेकिन बात नहीं बनी। पकड़े जाने के डर से वह अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस की दो टीमें उसकी तलाश में जुटी है। आपको जो फिरियादी और दो उसके मित्र एक फैमिली फंक्शन में आए थे, उसके मित्र एक यशोधरा में नगर के एरिया में रहता है, एक शांति नगर में रहता है और ये तीनों खड़े थे। उतने में सुमित ठाकुर एक सफेद कलर की फोर व्हीलर लेके आया और उनके पास नजदीक से फोर व्हीलर लेके जाने की वजह से वो बोले कि भाई गाड़ी ठीक से चला, इस पर से उनकी बाचाबाची हुई है। तो सुमित ठाकुर ने उसको धमकाया कि बोले रुक, बोले मैं उसके साथ में उसकी फ्रेंड थी तो वो फ्रेंड को छोड़ के तेरे को बताता, ऐसा उसने बोला। बाद में फिर वो वापस गया और फिर एक रेड कार में फोर व्हीलर में तीन जनों को लेके आया। ऐसे चारों ने मिलके ये लड़कों को मौजर दिखा के गाड़ी में बिठाया और हजारी पहाड़ एरिया में लेके जाके वहाँ पे गोडाउन में इनको मारपीट की। गाड़ी में जाते जाते उनके मोबाइल पैसे छीन लिए। बाद में फिरियादी ने काफ़ी मिन्नतें करने के बाद उनको यहाँ पे छोड़ा। फिरियादी हमारे पास आए, उनका तुरंत हमने मेयो में इलाज करवाया, मेडिकल करवाया, उनका सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, सारा सब कुछ करवाया और उनके मुताबिक ऑफेंस रजिस्टर किया है। नहीं, फिरियादी को ये शक्ल से पहचानते और उसने ये भी बोला कि भाई मैं सुमित ठाकुर हूँ। बाद में वो जो आतापाई में उसका नाम पता चला और उसके दोस्तों के नाम पता करना शुरू है, अभी चालू है इन्वेस्टिगेशन इसमें। और इस तरह की दादागिरी हमारे सीपी साहब बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करने देते, इसलिए इस तरह की जो ये है वाक्य है हाथ से, ये हम बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करते, सीरियस कॉग्निजेंस लिया जाता है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, किसने चाबी लाके दिया, कौन है, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेम्बरे, BCN News, नागपुर।